अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मजमून रियाजी। आज हम रियाजी में तवातिर पढ़ेंगे। आज हम रियाजी में तवातिर इस सबक को पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि तवातिर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसे समझो कि हर्फों की तरतीब में कौन सा तवातर है। यहाँ पर नीचे हमें हर्फों की तरतीब दी गई है। यहाँ पर पहली लाइन में हमें यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर तवातिर की तरतीब क्या है, ए बी ए बी है। अगर समझो ये लाइन आगे भी बढ़ेंगी तो यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा बच्चों, ए, और ए के बाद बी, क्योंकि यहाँ पर तवातिर की तरतीब क्या है, ए बी ए बी। इसी तरह यहाँ पर ए ए बी ए ए बी ए ए बी, यहाँ पर तवातिर की तरतीब क्या है बच्चों, ए ए बी है। तो अगर ये भी लाइन अगर आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर इस डब्बे में ए ए बी इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर तवातिर की तरतीब ए ए बी ए ए बी है। दर्ज ज़ैल तवातिर देखो, सामने के चौकोन में लिखो के इनमें से कौन से तवातिर ए बी ए बी जैसा है, और कौन सा ए ए बी ए ए बी, और कौन सा ए बी सी ए बी सी के जैसा है। बच्चों यहाँ पर हमें नीचे कुछ तस्वीर दिए गए हैं। हमें उन तस्वीर को नाम देना है और बताना है कि कौन सा तवातिर ए बी ए बी और ए ए बी ए ए बी और ए बी सी के जैसा है। तो चलिए हम पहली तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर में हमें ऑरेंज कलर का एक मुरब्बा दिया गया है और यहाँ पर पीले कलर का मुरब्बा दिया गया है। हम ऑरेंज कलर के मुरब्बे को ए नाम देंगे और पीले कलर के मुरब्बे को बी नाम देंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा तवातिर बना है, ए बी ए बी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी ए बी। इसी तरह यहाँ पर हमें हरे कलर का मुसल्लस दिया गया है और जामुनी कलर का मुसल्लस दिया गया है। हम हरे कलर के मुसल्लस को ए नाम देंगे और जामुनी कलर के मुसल्लस को बी नाम देंगे। ए, ये भी हरे कलर का है इसलिए हम इसे भी ए नाम देंगे, और ये जामुनी कलर का है इसलिए हम इसे बी नाम देंगे। ए ए बी ए ए बी ए ए बी। तो यहाँ पर कौन सा तवातिर बना है बच्चों, ए ए बी ए ए बी। तो हम उसे चौकोन में लिख देंगे। ए ए पी। इसी तरह इस शक्ल में हमें एक फूल और एक पत्ता दिया गया है। हम फूल को ए नाम देंगे और पत्ते को बी नाम देंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पर कौन सा तवातिर बना है बच्चों, ए बी ए बी। तो हम इस चौकोन में लिख देंगे ए बी ए बी। इसी तरह इस तस्वीर में हमें एक सीधा फूल दिया गया है और एक उल्टा फूल दिया गया है। हम सीधे फूल को ए नाम देंगे और उल्टे फूल को बी नाम देंगे। यहाँ पर सीधा फूल है, हमने इसे ए नाम दिया है और उल्टे फूल को बी। ए बी ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पर भी कौन सा तवातिर बना है बच्चों, ए बी ए बी। तो हम इसे चौकोन में लिख देंगे ए बी ए बी। इसी तरह इस तस्वीर में हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का यानी हरे कलर का फूल दिया गया है और यहाँ पर ऑरेंज कलर का, और यहाँ पर हमें चार डॉट्स दिए गए हैं। हम इस ग्रीन कलर के फूल को ए नाम देंगे, ऑरेंज कलर के फूल को बी नाम देंगे, और इन चारों डॉट्स को सी नाम देंगे। ए बी
सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो यहाँ पर हमें कौन सा तवातिर बना है, ए बी सी ए बी सी, तो हम इसे चौकोण में लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमें हाथी की तस्वीर दी गई है, हम इसे ए नाम देंगे। यहाँ पर ऊंट की तस्वीर दी गई है, हम इसे बी नाम देंगे। और यहाँ पर जिराफ की तस्वीर है, हम इसे सी नाम देंगे। ए बी सी। तो यहाँ पर हमें कौन सा तवातिर मिला बच्चों, ए बी सी ए बी सी, तो हम इसे चौकोण में लिख देंगे, ए बी सी ए बी सी। नीचे के चौकोण में तवातिर ए ए बी जैसा एक तवातिर तुम भी तैयार करो। यहाँ पर हमें नीचे एक चौकोण दिया गया है, यहाँ पर हमें ए ए बी जैसा एक तवातिर बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। आप चाहे तो आप कोई और तस्वीर भी इसकी जगह पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले एक स्टार बनाया और यहाँ पर एक गोल दायरा बनाया। यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार और गोल दायरा, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार और एक गोल दायरा। अब हम इन्हें नाम देंगे। हमने स्टार को ए नाम दिया, ए ए, और दायरे को बी नाम दिया, ए ए बी, ए ए बी। तो हमने यहाँ पर ए ए बी जैसा एक तवातिर तैयार कर लिया है। हमारा अगला सवाल है बच्चों, दर्ज झैल तवातिरों में आगे आने वाली तस्वीरें बनाओ। यहाँ पर हमें नीचे तवातिर दिए गए हैं, हमें यहाँ पर आगे आने वाली तस्वीरें बनाना है। देखिए यहाँ पर हमें तीन स्टार दिए गए हैं और उसके बाद एक हैश दिया गया है। यहाँ पर तीन स्टार और एक हैश, तो हमारा तवातिर क्या है बच्चों, हमें तीन स्टार और एक हैश, तीन स्टार और एक हैश इस तरह से बनाना है। यहाँ पर भी तीन स्टार और एक हैश दिया गया है। अब हम हैश के आगे तीन स्टार बनाएंगे, एक दो तीन, तीन स्टार के बाद एक हैश। इसी तरह यहाँ दूसरी तस्वीर में हमें एक दो तीन स्टार और एक दो हैश दिए गए हैं, तीन स्टार दो हैश। तो हमारा तवातिर क्या है बच्चों, तीन स्टार और दो हैश। यहाँ पर हमें दो हैश दिए गए हैं, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, तीन स्टार बनाएंगे। ओके, एक दो तीन, तीन स्टार के बाद दो हैश, एक दो। तवातिर को समझकर चौकोण पुर करो। यहाँ पर हमें नीचे कुछ तवातिर दिए गए हैं, हमें उन्हें समझकर आगे के चौकोण पुर करना है। यहाँ पर हमें पहली तस्वीर में एक तीर का निशान दिया गया है जो ऊपर की जानिब जा रहा है। दूसरी तस्वीर में तीर का निशान दाएं जानिब बताया गया है और तीसरी तस्वीर में नीचे की जानिब बताया गया है तीर का निशान, और चौथी तस्वीर में बाएं जानिब। इसी तरह यहाँ पर फिर से पहली तस्वीर आ गई। पहली तस्वीर में क्या था, ऊपर की जानिब, दूसरी तस्वीर में दाएं जानिब, तब तीसरी तस्वीर में क्या आएगा, नीचे की जानिब। तो हम यहाँ पर नीचे की जानिब एक तीर, नीचे की जानिब एक तीर का निशान बना देंगे। चौथी तस्वीर में बाएं जानिब था, तो हम यहाँ पर बाएं जानिब बना देंगे। इसी तरह अब पहली तस्वीर बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर की जानिब, दूसरी तस्वीर में दाएं जानिब,
इसी तरह से ये चौकोन हमने पूर कर लिए। अब हम दूसरी तस्वीर में देखते हैं, यहाँ पर हमें पत्ते दिए गए हैं। पहली तस्वीर में पत्ते का मुंह ऊपर की जानिब है, दूसरी तस्वीर में पत्ते को आड़ा किया गया है, तीसरी तस्वीर में उल्टा कर दिया गया है और चौथी तस्वीर में पत्ते का मुंह बाएं जानिब दिखाया गया है। इसी तरह अब हम यहाँ पर पहली तस्वीर बनाएंगे। यहाँ पर दूसरी तस्वीर, यहाँ पर तीसरी तस्वीर, और यहाँ पर चौथी तस्वीर। इस तरह से हमारी दूसरी तस्वीर के तवातिर भी मुकम्मल हुए। अब हमारी तीसरी तस्वीर में यहाँ पर हमें घड़ी बताई गई है। हमें पहली घड़ी में टाइम बताया गया है कि 1 बज रहे हैं, इसी तरह दूसरी घड़ी में टाइम 2 बज रहे हैं, इसी तरह तीसरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, चौथी घड़ी में 4 बज रहे हैं, पांचवी घड़ी में 5 बज रहे हैं। तो हमारा तवातर क्या है बच्चों, हमें एक यहाँ पर एक एक घंटा बढ़ा कर बताया गया है। इसी तरह अगर हम छठी तस्वीर में करेंगे तो यहाँ पर 6 बजेंगे, सातवीं तस्वीर में 7 बजेंगे और आठवीं तस्वीर में 8 बजेंगे। यहाँ पर हमें एक एक घंटा बढ़कर बताना है। अब यहाँ पर चौथी तस्वीर में हमें पहले डब्बे में ए दिया गया है, दूसरे में भी ए, तीसरे में बी, चौथे में बी को उल्टा बनाया गया है, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी को उल्टा बनाया गया है, यानी यहाँ पर हमें ए बी सी इस तरह से अल्फाबेट दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर डी लिखेंगे क्योंकि सी के बाद डी आता है, इसलिए यहाँ पर डी, और यहाँ पर हम डी को उल्टा कर लिखेंगे। इस तस्वीर में हमें यहाँ पर हमें एक दायरे में 3 पत्तियां बताई गई है, दूसरी तस्वीर में एक दायरे में 4 पत्तियां बताई गई है, इसी तरह तीसरी तस्वीर में एक दायरे में 1, 2, 3, 4, 5 पत्तियां बताई गई है, यानी यहाँ पर हमारा तवातर एक एक बढ़ाना है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इसी तरह यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 पत्तियां होंगी। तो चलिए हम बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हमें ये निशान दिए गए हैं, हमें इन निशान पर ही पत्तियां बनानी है। 1, 2, 3। चार, पांच, छः, सात। इसी तरह इस तस्वीर में हम 8 पत्तियां बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर हमें इस तस्वीर में मुरब्बे दिए गए हैं। यहाँ पहले डब्बे में 1 ज़रब 1, 1 का मुरब्बा दिया गया है। यहाँ पर 2 ज़रब 2, 4। यहाँ पर 2 का मुरब्बा दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर 3 ज़रब 3, 9, 3 का मुरब्बा दिया गया है। और यहाँ 2 डब्बे छोड़कर यहाँ पर हमें 6 ज़रब 6, 6 का मुरब्बा दिया गया है। और यहाँ पर हमें और 2 डब्बे खाली दिए गए हैं, हमें इन खाली डब्बों को भरना है। यहाँ पर हमें 1, 2, 3 दिए गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर 4, 5 का मुरब्बा लिखेंगे। यहाँ पर 6 का दिया गया है, यहाँ पर 7 और 8 का लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 4 को 4 से ज़रब देंगे।
चार जरब चार मसावी है 16, चार चौक 16। इसी तरह अब यहाँ पर हम पांच का मुरब्बा लिखेंगे, यानी पांच को पांच से जरब देंगे, पांच जरब पांच मसावी है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 25। यहाँ पर हमें छह का मुरब्बा दिया गया है, अब यहाँ हम सात को सात से जरब देंगे, सात जरब सात मसावी है 150। इसी तरह अब यहाँ पर हम आठ का मुरब्बा लिखेंगे, यानी हम आठ को आठ से जरब देंगे, आठ जरब आठ मसावी है 64। अब यहाँ अगले डब्बे में हमें कुछ अदद दिए गए हैं। यहाँ पर हमें पहले डब्बे में पांच दिया गया है, दूसरा गया है, दूसरे डब्बे में 10, तीसरे में 15 और यहाँ एक दो डब्बे खाली दिए गए हैं। फिर यहाँ पर हमें 30 नंबर दिया गया है, 30 अदद लिखा हुआ दिया गया है। यहाँ पर एक दो तीन चार पांच डब्बे खाली दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो पांच में हम पांच मिलाए तो 10 होंगे, इसी तरह अगर हमने 10 में पांच मिलाए तो 15 होंगे, यानी यहाँ पर हमें यहाँ जो अदद दिया जाएगा उसमें पांच जमा करके यहाँ पर अगला अदद लिखना है। इसी तरह हम अगर 15 में पांच जमा करेंगे तो 20 होंगे, तो हम यहाँ 20 लिख देंगे। हमने 20 में पांच जमा करा तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, इसी तरह 25 में पांच जमा करें तो 30 होंगे। अब हम 30 में पांच जमा करेंगे तो कितने होंगे 35, 35 में पांच जमा करेंगे तो 40, 40 में पांच जमा करेंगे तो 45, 45 में पांच जमा करेंगे तो 50, 50 में पांच जमा करेंगे तो 55। एक तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें ये पांच का पहाड़ा ही दिया गया है, पांच एकम पांच, पांच दोनी 10, पांच तिया 15, पांच चौक 20। इस तरह से हमें यहाँ पर पांच का पहाड़ा दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पहले डब्बे में दो अदद लिखा हुआ दिया गया है, दूसरे डब्बे में 9, तीसरे डब्बे में 16 और चौथे डब्बा हमें लिखना है यहाँ पर। अगले डब्बे में 30 दिया गया है और यहाँ पर भी हमें खाली डब्बा दिया गया है। फिर उसके अगले डब्बे में 44 दिया गया है। फिर हमें एक दो तीन चार डब्बे खाली दिए गए हैं। हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर 9 किस तरह से आया, हम 2 में कितने जमा करेंगे तो 9 होंगे, 2 में 3 4 5 6 7 8 9, हमने 2 में 7 जमा किए तो हमारा हासिल जमा 9 आएगा, यानी हमें यहाँ पर 2 में 7 जमा करना पड़ा तो हमारा जवाब 9 आया। अब इसी तरह हम 9 में 7 जमा करेंगे, 9 जमा 7, 9 में 7 जमा करें तो कितना आएगा बच्चों 16। इसी तरह हमने 9 में 7 जमा किया तो कितना आया 16। अब यहाँ पर के डब्बे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 16 में 7 जमा करेंगे, 16 जमा 7 कितने होंगे 23। इसी तरह अब हम 23 में 7 जमा करेंगे, 23 जमा 7 मसावी है 30। यहाँ पर हमें 30 लिखा हुआ दिया गया है, इस डब्बे में क्या लिखेंगे हम 23। इसी तरह अब हम 30 में 7 जमा करेंगे, 30 जमा 7 मसावी है 37, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 37। अब हम 37 में 7 जमा करेंगे तो कितने होंगे 44। 44 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही। अब हम 44 में 7 जमा करेंगे तो कितने होंगे बच्चों 51, तो हम यहाँ पर 51 लिख देंगे। अब हम 51 में 7 जमा करेंगे, 51 जमा 7 कितने होंगे बच्चों 58, तो हम यहाँ पर 58 लिख देंगे। अब हम 58 में 7 मिलाएंगे तो कितने होंगे बच्चों 65, तो हम यहाँ पर 65 लिख देंगे। अब हम 65 में 7 मिलाएंगे तो कितने होंगे बच्चों 72, तो यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। इसी तरह से हमने ये भी मुकम्मल कर दिया है। ज़ैल के तवातिर में हर शक्ल को एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमें
मुसलस और दायरा दिया गया है और इनके तवातिर दिए गए हैं और हर तवातिर को यहाँ पर एक एक नंबर दिया गया है, जैसे मुसलस को एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच। इस तवातिर में किस नंबर पर मुसलस की शक्ल है और किस नंबर पर दायरे की शक्ल है? तो यहाँ पर एक नंबर पर किसकी शक्ल है बच्चों? मुसलस की, और दो नंबर पर दायरे की। इस तरह तीन नंबर पर मुसलस की और चार नंबर पर दायरे की, इसी तरह आगे भी। तीसरी शक्ल मुसलस है। छठी शक्ल क्या है बच्चों? दायरे की, तो हम यहाँ दायरा लिख देंगे। छठी शक्ल दायरा है। आठवीं शक्ल, अब यहाँ छठी शक्ल दायरा है तो सातवीं क्या होंगी? मुसलस, और आठवीं दायरा, तो आठवीं शक्ल भी दायरे की है तो हम यहाँ दायरा लिख देंगे। आठवीं शक्ल दायरा होंगी। ग्यारहवीं शक्ल, अब यहाँ पर आठवीं शक्ल दायरा है बच्चों, नौवीं शक्ल मुसलस होंगी। दसवीं शक्ल दायरा और ग्यारहवीं शक्ल मुसलस। दस ग्यारह, तो ग्यारहवीं शक्ल किसकी है बच्चों? मुसलस की, तो हम यहाँ पर मुसलस लिख देंगे। इसी तरह बच्चों आगे की ये तीन खाली जगह आप हमें हल करके बताइए कि पंद्रहवीं शक्ल किसकी होंगी, बीसवीं शक्ल किसकी होंगी और पच्चीसवीं शक्ल किसकी होंगी। हमारा अगला सवाल है, नीचे के जदवल में आगे के खानों में आने वाली शक्ल बनाओ और गोलियों की तादाद लिखो। यहाँ पर नीचे हमें एक जदवल दिया गया है, यहाँ पर हमें गोलियों की तरतीब दी गई है और यहाँ पर गोलियों की तादाद। तो शक्ल नंबर एक में गोलियों की तरतीब कितनी है? यहाँ पर एक गोली दी गई है तो गोलियों की तादाद कितनी है? एक। इसी तरह दूसरी शक्ल में हमें यहाँ पर तीन गोलियां दिए गए हैं, कितनी तादाद है? तीन। तीसरी शक्ल में यहाँ पर हमें एक, दो, तीन, चार, पांच गोलियां दिए गए हैं, गोलियों की तादाद हमें यहाँ पर लिखना होगी, कितनी है बच्चों? पांच। इसी तरह चौथी शक्ल में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात गोलियां दी गई है तो गोलियों की तादाद कितनी है? सात। यहाँ पर बच्चों हम एक में कितने जमा करेंगे तो तीन आएगा? एक, दो, तीन, यानी हमने एक में दो जमा किया तो तीन आया। तीन में दो जमा करेंगे तो पांच आएगा, पांच में दो जमा करें तो सात आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर सात में जो दो जमा करें तो नौ, और नौ में दो जमा करें तो ग्यारह आएगा। इस तरह से बच्चों आगे के जदवल को आप पांच और छह नंबर को आप मुकम्मल कीजिए, यहाँ पर गोलियां बनाइए और यहाँ पर गोलियों की तादाद लिखिए। यहाँ पर नीचे ये सवाल दिया गया है, तीसरी शक्ल में डैश गोलियां है, तीसरी शक्ल में कितनी गोलियां है? पांच। चौथी शक्ल में सात गोलियां है, सातवीं शक्ल में कितनी गोलियां होंगी? क्या ये बात तुम शक्ल बनाए बगैर पहचान सकते हो? कितनी होंगी लिखो, अब शक्ल बनाकर देखो। यहाँ पर आपको इसके आगे एक सातवां जदवल भी बनाना है बच्चों, और उसमें कितनी गोलियां होंगी वो बताना है। आप शक्ल बनाकर देखिए कि कितनी गोलियां होंगी। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये सबक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।